हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो प्रारंभिक शिक्षकों का और माध्यमिक शिक्षकों का सेवा शर्त नियमावली 2020 आया है, उसमें बहुत कुछ पहले से बदलाव किया गया है, तो उस पर कई सारा वीडियो पहले भी आ चुका है और आगे भी आएगा। सेवा शर्त नियमावली में आचार संहिता जोड़ी, राजनीति और नशे से रहना होगा दूर। प्रारंभिक शिक्षकों को 12 साल की सेवा पर प्रोन्नति, पूरे सेवा काल में 2 बार स्थानांतरण, 3 साल का मिलेगा अवैतनिक अध्ययन अवकाश, शिक्षक आचार संहिता और सेवा काल में मृत्यु पर आश्रितों को नौकरी। तो इसका जो पूरा वो है माध्यमिक का और उसका प्राइमरी का सबका, तो एक एक करके मैं आप लोगों को सारा सेवा शर्त नियमावली दिखाऊंगी। थोड़ा बड़ा वीडियो होगा, लंबा होगा, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसमें। शिक्षक किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हो सकते। शिक्षकों को किसी नशा का सेवन नहीं करना है। प्रारंभिक शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली में आचार संहिता को पहली बार जोड़ा गया है। कक्षा 6 से 8 तक स्नातक शिक्षक नियुक्ति में अब मैट्रिक और इंटर का अंक नहीं जुड़ेगा, स्नातक व शिक्षक प्रशिक्षण के अंक ही जुड़ेंगे। कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक नियोजन पहले की तरह ही रखा गया है, इसमें मैट्रिक इंटर व प्रशिक्षण का अंक के आधार पर मेधा सूची बनेगी। तो पहले जो प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए जिस तरह होता था उसी तरह से होगा, मैट्रिक इंटर प्रशिक्षण का सब का मार्क्स ऐड होगा, लेकिन और 6 to 8 में माध्यमिक में सब में बदलाव किया गया है। नियुक्ति पहले की तरह पंचायत और नगर निकाय के माध्यम से होगी। शिक्षकों को 12 साल सेवा पूरा होने पर प्रोन्नति दी जाएगी। 15,000 रुपये प्रति माह की दर के हिसाब से EPF के लिए सरकार आवश्यक अंशदान देगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव RK महाजन ने प्रारंभिक शिक्षक और शारीरिक शिक्षा अनुदेशक की नियुक्ति प्रोन्नति सेवा शर्त नियमावली जारी कर दी। सेवा काल में मृत्यु पर आश्रितों को नौकरी। सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों के परिवार के एक वयस्क सदस्य को सरकारी नौकरी मिल सकेगी। नियोजित शिक्षकों को पहले यह सुविधा नहीं थी। पूरे सेवा काल में शिक्षक 2 बार स्थानांतरण करा सकते थे। स्थानांतरण के बीच न्यूनतम 5 वर्ष का अंतराल जरूरी है। सेवा 60 साल तक होगी। वेतन वृद्धि पर रोक से अधिक बर्खास्तगी तक दंड दिए जा सकते हैं और TET उत्तीर्ण के साथ DLED व BEd होना नियुक्ति के लिए अनिवार्य है। तो नियुक्ति के लिए TET के साथ DLED या BEd होना तो पहले से भी था और पहले से भी नौकरी मिलती थी आश्रितों को, लेकिन उसमें होता था कि आपको BEd, DLED, TET शिक्षक बनने के लिए पास होना पड़ता था, लेकिन अगर मतलब आप TET वगैरह नहीं भी किए हुए हैं तो किसी और पोस्ट पर आपको नौकरी मिल जाएगी, शिक्षक के पद पर नहीं लेकिन किसी और पर मिल जाएगी, ऐसा इस नियमावली में आया है। इसके बाद है अंतर जिला स्थानांतरण। दिव्यांग और महिला शिक्षक को 1 बार मिलेगा। पुरुष शिक्षक को पुस्तकालय अध्यक्ष में अंतर म्यूचुअल तबादला मिल सकता है। इसमें क्या करना है कि आपको एक जैसे मान लीजिए कि आप किसी और जिला में नौकरी करते हैं और आपको जिला ट्रांसफ़र चाहिए, तो फिर उस जिला से भी आपको यहाँ आने वाला कोई मिलना चाहिए, मतलब एक पेयर मिलेगा, उसके बाद ही आपका जो स्थानांतरण होगा सो होगा। सो ये जो नियम है ये बिल्कुल सही नहीं है। वैसे महिलाओं को मिल जाएगा, महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुष लोगों के लिए है। प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति से भरे जाएंगे। प्रधानाध्यापक का पद है वो प्रोन्नति से भरे जाएंगे, मतलब उसके लिए अलग से बहाली नहीं होगी। 1 से 5 तक के योग्य शिक्षक कक्षा 6 से 8 में प्रोन्नत होंगे, और अगर आप 1 से 5 में हैं तो फिर आपका प्रमोशन होके आप 6 to 8 में आएंगे, और 6 to 8 तक के शिक्षक को प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति मिलेगी, और अगर आप 6 to 8 में हैं तो आपका जो प्रमोशन है वो प्रधानाध्यापक के पद पर होगा, और 3 साल का मिलेगा अवैतनिक अध्ययन अवकाश। तो अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको अवैतनिक अवकाश मिल सकता है, आप ले सकते हैं 3 वर्ष तक का। महिला शिक्षिका 180 दिन का मातृत्व अवकाश लेंगी, ये भी एक नया चीज जुड़ा है, पहले 135 दिन का ही था, अब 180 दिन का मातृत्व अवकाश हो गया है। पुरुष शिक्षक के लिए भी एक चीज़ है कि 15 दिन का पितृत्व अवकाश उनको मिलेगा। सालाना जो 20 दिनों का मेडिकल अवकाश है, 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश है, ऐसा पहले से भी था, एक साथ 10 दिनों से अधिक आकस्मिक अवकाश नहीं ले सकते, और अगर आप CL लेना चाहते हैं तो एक साथ आपको 10 CL से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, मतलब 10 CL तक ही एक साथ आप ले सकते हैं।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जो भी लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।